द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से नहमिया की पुस्तक का संक्षिप्त वर्णन लेकर आई हूँ, जो आज हम सभी को सीखना आवश्यक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि नहमिया परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखने वाला तथा उसकी सच्ची उपासना करने वाला एक पुरुष था। उसका विश्वास यहोवा पर अटूट था। इस पुस्तक में नहमिया ने बेबीलोन से बंधुआई से लौटने के पश्चात फिर से यरूशलेम की शहरपना वापस से बनाने का वर्णन किया है, जिसमें वह उस समय की बीती घटनाओं का वर्णन करते हैं, जिसे आज हम यहाँ संक्षिप्त में समझेंगे व सीखेंगे। विस्तार से जानने के लिए आप नहमिया की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें टोटल 13 अध्याय हैं। आज मैं यहाँ इसका साधारण भाषा में संक्षिप्त विवरण ही करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उस समय की बात है जब नहमिया शूशन नामक राजगढ़ में रहता था तथा वहाँ के राजा का पियाऊ था। तब वहाँ हनानी नाम का उसका भाई और अन्य कई पुरुष यहूदा से उससे मिलने आए। तब उन्होंने नहमिया को यहूदियों के हालात और यरूशलेम के विषय में बताया। उन्होंने उसे बताया कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं। क्योंकि भाइयों बहनों, बेबीलोन की बंधुआई से छूटकर जब यहूदी इजराइल यरूशलेम वापस लौटे, तो यरूशलेम की शहरपना कस्तियों के द्वारा फूकी जा चुकी थी और परमेश्वर का भवन फूक दिया गया था। ऐसी दुर्दशा थी उस समय यरूशलेम में परमेश्वर के भवन की तथा उसकी दीवारों की। तब यह सब स्थिति नहमिया को जब पता चली, तब वह बहुत उदास हुआ और रोने लगा। उस समय में वह अर्तक्षत राजा के पास एक साकी था और राजा भी उस पर पूरा विश्वास रखता था। वह राजा का ईमानदार सेवक था। तब जब नहमिया को यरूशलेम की दुर्दशा के बारे में पता चला, तब सर्वप्रथम नहमिया ने परमेश्वर से घुटने टिका के प्रार्थनाएं की। तब उसने इजराइलियों के सभी पापों की क्षमा मांगी कि सभी यहूदियों ने तेरी आज्ञाएं जो तूने मूसा के द्वारा दी उन्हें तोड़ा है। उन सबके लिए नहमिया ने यहोवा से क्षमा मांगी और फिर यह भी विनती की कि राजा उसे यरूशलेम में जाने की आज्ञा दे दे, क्योंकि वह उस समय में राजा का एक पियाऊ था। तब जब नहमिया राजा के सामने गया, तब राजा ने उसका उदास चेहरा देखकर उसकी वजह उससे पूछी। तब उसने सारा हाल राजा को कह सुनाया कि मेरे पुरखाओं के नगर के फाटक जले हुए व उजाड़ पड़े हैं। तब उसने फिर आत्मा में यहोवा से प्रार्थना कर राजा से यहूदा जाने की आज्ञा भी मांगी कि वह वहां जाकर उसे दोबारा बनवा सके। और फिर यह सब सुनकर राजा ने उसे आज्ञा भी दे दी वहां जाने की। राजा आज्ञा कैसे ना देता मेरे प्रियो, क्योंकि उसने राजा से आज्ञा पाने से पहले यहोवा से प्रार्थना जो की थी। यहां ध्यान दे भाइयों बहनों कि हमें भी हर कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छा में की गई प्रार्थना को वह अवश्य सुनता है, जैसे नहमिया की प्रार्थना भी यहोवा की इच्छा में ही थी। तब आगे राजा ने नहमिया को विदा किया तथा उसके साथ कुछ जरूरी सामान जो शहरपना बनवाने के लिए आवश्यक थे वे भी उसे दिए तथा कुछ सेनापतियों को और घुड़सवारों को भी उसके साथ भेजा। यह था प्रार्थना का उत्तम फल। नहमिया ने तो सिर्फ जाने की इजाजत ही मांगी थी, परंतु राजा ने उसके साथ सामान तथा सेनापति भी भेजे। यहाँ फिर से एक बार यह सिद्ध होता है कि हमारा परमेश्वर मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तब आगे हम देखेंगे कि नहमिया जब यरूशलेम पहुंचा, तब उसने शहरपना का मुआयना किया। तब फिर उसने यरूशलेम से ही सभी अगवों को बुलाया तथा उन्हें कहा कि चलो हम मिलकर शहरपना दोबारा बनाएं, ताकि कोई हमें ठट्ठों में ना उड़ाए। तब यह सुनकर होरोनी, संबल्त और कुछ और कर्मचारी जो अमोनी थे, यह सुनकर खुश ना हुए। परंतु नहमिया ने कहा उनसे कि यरूशलेम तुम्हारा कोई भाग व हक नहीं है जो तुम हमें रोको। अमोनी लोग यह चाहते थे कि शहरपना ना बने
और यहूदी सदा उनके अधीन में ही बने रहे, इसीलिए वह इसके विरोध में थे, इसीलिए वह उनके दुश्मन भी बने रहे। परंतु तब भी नहम्या ने शहरपना बनाने का काम शुरू किया तथा उसमें कुछ लेवी तथा याजक भी जुड़ गए थे। वे यहूदी लोग शहरपना बनाने के साथ साथ बहुत कुछ झेलते रहे और फिर भी काम करते रहे एकता के साथ। उनके विरोधी संबलत ने वहाँ ही अपना डेरा डाल लिया ताकि वह वहाँ नजर रख सके कि वह क्या कर रहे हैं। तब जब उन्हें पता चला कि नहम्या ने आदि शहरपना बना ली है, तब उन्होंने उन पर हमला करने की एक योजना बनाई। तब जब नहम्या ने यह जाना कि उनके शत्रुओं ने सामरी लोगों से मिलकर उन पर हमला करने की योजना बनाई है, तब भी नहम्या डरा नहीं। वह तब और भी बुद्धिमानी से यहोवा की अधीनता में आकर कार्य करने लगा। तब उसने सबका हियाव भी बंधाया कि वह उनके हमले से ना डरे। उसने कहा कि हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ेगा। इस तरह वह उनका हियाव बंधाता रहा तथा तब उसने कुछ पुरुषों को तलवारें तथा बर्छियां देकर दीवार के पास तैनात कर दिया, अर्थात उसने अपनी ओर से सैनिक खड़े कर दिए अपनी व यहूदियों की सुरक्षा में व शहरपना की सुरक्षा के लिए। इस तरह वह हथियार के साथ तैनात हो गए। नहम्या डरा नहीं धमकियों से तब भी, और निस्वार्थ सेवा कार्य में लगा रहा और यहोवा के मार्गों पर खुद भी डटा रहा तथा और सबको भी संभालता रहा एक भले अधिपति की तरह। तब आगे उसके विरोधी संबलत को जब यह पता चला कि नहम्या डटा पड़ा है तथा सबको भी हियाव बंधाता है तथा उन्हें उनका हक दिलाता है, तब उसने योजना बनाई कि वह नहम्या से अकेले में मिलेंगे ताकि उसे अकेले में मार डाले। और जब ये मैसेज नहम्या को मिला, तब वह समझ गया कि वह उसे मारना चाहते हैं। तब उसने उनसे मिलने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि वह जरूरी काम में लगा है, वह नहीं आ सकता, यदि वह जाएगा तो यह काम रुक जाएगा। संबलत ने यही मैसेज नहम्या के पास 4 बार भिजवाया, परंतु उसने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ हर बार मना कर दिया। तब भी वह निरंतर यहोवा से अपने हियाव के ना टूटने की प्रार्थना भी करता रहा और अपने काम में जुटा रहा। तब फिर उसका कार्य संपन्न हुआ और शहरपना बन गई। हालेलुया। तब उन्होंने 52 दिनों में दीवार पूरी बना ली और वह बहुत खुश हुए। तब जब शहरपना पूरी तरह तैयार हो गई, तब अगला कार्य नहम्या ने यह किया कि उसने यहूदियों का रिश्ता यहोवा से वापस जोड़ने में वह जुट गया। जो कि लोग यहोवा की शिक्षाओं को भूल गए थे, उन्हें फिर से नहम्या ने एज्रा के साथ मिलकर फिर से उन्हें सिखाया। एज्रा नहम्या से पहले यरूशलेम आया था तथा यहोवा के सभी नियमों को वह भली भांति जानता था, और उस दिन भी वह उन नियमों की पुस्तकों को नहम्या के पास लेकर आया तथा तब उन्होंने सबको मूसा की व्यवस्था फिर से सिखाई और समझाई। और जब उन सभी लोगों ने वह समझा कि किस तरह उन्होंने सभी आज्ञाओं को तोड़कर यहोवा का अनादर किया है, क्योंकि वह बहुत समय से यहोवा की आज्ञाओं को तोड़ते आ रहे थे, जब उन्होंने सब शिक्षा को दोबारा नहम्या के द्वारा समझा व सीखा, तब वह बहुत रोए तथा उन्होंने अपने सभी पापों का अंगीकार किया और क्षमा मांगी। पाप अंगीकार की प्रार्थना को आप अध्याय 9 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तब उसके पश्चात वह कई दिनों तक यहोवा का धन्यवाद करते रहे। तब उन्होंने यहोवा से फिर से वाचा बांधी कि हम अब से यहोवा की आज्ञा को मानेंगे। तब आगे जब यरूशलेम की शहरपना पूरी तरह बन गई, तब उन्होंने मिलकर उसका उद्घाटन किया तथा यहोवा का धन्यवाद आराधना तथा स्तुति गीतों से किया तथा आनंद मनाया। तब नहम्या ने वहां लोगों को हमेशा के लिए नियुक्त किया, जिससे जो काम नहम्या ने दिया उसके लिए उसने कुछ अगुए निर्धारित किए कि वह जो काम नहम्या ने अब तक किया है वह टूट ना जाए। इसीलिए उसने सभी चुने हुए लोगों को आगे के लिए इसका कार्यभार सौंप दिया, उन्हें वहां अगुआ बना के। तब सबसे पहले उसने वहां से बलवा करने वालों को, अपवित्र लोगों को वहां से अलग किया तथा केवल पवित्र लोगों को ही वहां का कार्यभार सौंपा। यह था नहम्या का सुधार कार्य। इसे आप अंतिम अध्याय 13 में विस्तार से पढ़ सकते हैं, जहां कुछ लोग तब भी उससे बलवा करते रहे तथा यहोवा के नियमों को मानने से इनकार करते रहे।
इसीलिए निहम्मा ने उन्हें वहां से निकालकर शहर पना को पहले सुरक्षित कर दिया और आगे के लिए पवित्र लोगों को नियुक्त कर उसकी सुरक्षा का कार्यभार उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार निहम्मा ने वहां उजड़े हुए यरूशलेम की शहर पना को पूरा बनवा दिया तथा भटके हुए इजरायली यहूदियों की संगति भी फिर से यहोवा के साथ जोड़ दी। यह थी निहम्मा की पुस्तक की कहानी, जो आज हमें कुछ गहरी और विशेष बातें सिखाती है जिन्हें आज हमें सीखना आवश्यक है कि आज के समय में कुछ बाहरी लोग विश्वासियों को सताते हैं तथा उन्हें हमेशा प्रभु को छोड़ने के विषय ही कहते रहते हैं, परंतु ऐसे समय में भी हमें निहम्मा की तरह ही प्रभु के मार्गों पर, उसके कार्यों पर अड़ेवा खड़े रहना चाहिए। कभी गैर मसीहों की धमकियों से नहीं डरना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि जब यहोवा हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। जैसे निहम्मा के विरोध में भी उसके दुश्मन खड़े थे, परंतु उसने हियाव ना छोड़ा, वह यहोवा के कार्यों में डटा रहा और उसके साथ साथ उसने बिगड़े हुए संबंधों को भी संवारा, भटके हुए लोगों को भी मार्ग दिखाया, यहोवा की व्यवस्था का ज्ञान फिर से उन्हें सिखाया, जो आज हमें यह सिखाता है कि हमें भी परमेश्वर से अलग हुए उसके लोगों को परमेश्वर का सच्चा मार्ग बताना चाहिए। बहुत से तो परमेश्वर को जानकर भी डर के कारण पीछे हट जाते हैं तथा बुराई में चले जाते हैं, उन्हें भी हमें फिर से परमेश्वर के सच्चे ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वह अपने सभी पापों का अंगीकार कर फिर से अपने रिश्तों को अपने पिता परमेश्वर से जोड़ सके, जैसे निहम्मा ने भी किया, यहूदियों को फिर से परमेश्वर के राज्य में वापस लाकर। हालेलुया। यरूशलेम की टूटी शहरपना बनाने का तात्पर्य यही है मेरे प्रियो, कि जो शैतान ने उजाड़ दिया है, खराब कर दिया है अपनी बुराइयों से, पाप से, उसे हम फिर से परमेश्वर के लोग उसे फिर से ठीक करें, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना भी है। हमें ऐसी पाप की उजड़ी हुई अवस्था देखकर चुप नहीं बैठे रहना चाहिए, हमें भी निहम्मा की तरह बोध होना चाहिए, हमें भी बोझ आना चाहिए उसी टूटी और उजड़ी अवस्था को देखकर। जैसे आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी परमेश्वर के राज्य की पुनर्स्थापना में अपना योगदान दें, जैसे संसार उजड़ा पड़ा है पाप में, बुराई में, शैतान के हाथों में, तो यह सब देखकर हमें भी परमेश्वर का चुना हुआ, उसका बुलाया हुआ समाज होने के अधिकार से हमें भी उस टूटी शहरपना को बनाने के काम में जुट जाना चाहिए। और कितने भी फिर मसीह विरोधी खड़े हो जाए, हम अपना हियाव ना छोड़ें, उसी प्रकार दृढ़ता में तथा अटूट विश्वास में बने रहें, जैसे निहम्मा बना रहा तथा कार्य पूरा करके ही लौटा, जिसके लिए उसे यहोवा ने ही पोष दिया था। और एक बात उत्तम थी उसमें कि वह हर कार्य से पहले यहोवा से प्रार्थना किया करता था और फिर सफल भी रहता था। आज हमें भी परमेश्वर बोझ देता है मेरे प्रियो, इस संसार की उजाड़ अवस्था के प्रति, कि हम भी इस उजड़ी हुई अवस्था को, भटके हुए लोगों को परमेश्वर का सच्चा मार्ग दिखाएं तथा परमेश्वर की दृढ़ शहरपना को फिर से बनाएं तथा उनमें से सभी अपवित्र और अशुद्ध लोगों को अलग करें जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तथा ढिटाई के पाप में आज भी बने हुए हैं। इसी प्रकार प्रार्थना कर परमेश्वर के पवित्र यरूशलेम की पवित्र तथा शुद्ध शहरपना का निर्माण कार्य आज हम सभी पर है, जैसे निहम्मा पर था, और उसने उसे पूर्ण ईमानदारी से, दृढ़ता तथा याव के साथ पूरा भी किया। वह डरा नहीं, ना ही पीछे लौटा, जैसे यहोवा का आत्मा उसकी अगुवाई करता रहा एक सच्चा लीडर होने के लिए। आज परमेश्वर हमें भी वैसे ही सच्चे मसीह विश्वासी होने के लिए बुलाता है, जो उसके कार्यों को आत्मा व सच्चाई से करें तथा भटके हुए को सच्चा मार्ग फिर से बताएं। तो आइए भाइयों बहनों, जुट जाएं परमेश्वर के कार्यों में आज से ही, उसकी टूटी उजड़ी शहरपना को मिलकर बनाएं और निहम्मा की ही तरह उसके सच्चे सेवक ठहरें और प्रभु के कार्यों को करने में हियाव न छोड़ें। जैसा बाइबल की पुस्तक का एक वचन हमें दर्शाता भी है, जो लिखा है गलातियों 6:9 में, जहां स्पष्ट है कि हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम कायर ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो मेरे प्रियो, यही ठीक समय है कटनी काटने का। हियाव से प्रभु के कार्यों में निहम्मा की तरह जुट जाएं और सफल हों और सच्चे परमेश्वर की सच्ची शहरपना को फिर से खड़ा करें। परमेश्वर आप सभी के साथ है, सदा आत्मा में
परमेश्वर से अगुवाई को मांगते रहें और निहम्या की तरह दृढ़ता से अड़े और खड़े रहें और हियाव ना छोड़ें, किसी भी मसीह विरोधी से डरे नहीं। परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमें आज मिलकर परमेश्वर के कार्यों को करने की आवश्यकता है, उसकी शहरपना को फिर से बनाने की आवश्यकता है और शैतान के राज्य को ढा देने की आवश्यकता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस पुस्तक का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।